looks like here in Dharamkot these days? सिर्फ और सिर्फ बारिश होती है और हमारे प्लान्स को ख़राब करती है। आज का हमारा प्लान था भक्सू विलेज जाने का, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है और पैदल का रास्ता है, थोड़े कच्चे रास्ते भी हैं। तो आई थॉट कि इसको अवॉइड कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। आज पूरे दिन इसीलिए रूम पे ही बिताएंगे, बारिश का मज़ा लेंगे, बालकनी में बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, पैकिंग बनाएंगे क्योंकि कल सुबह अपने को निकलना है। ब्रेकफास्ट के लिए सोच रहा हूँ वो जो कैफ़े है वहाँ पे, वहाँ जाते हैं। ये इनका लॉजिंग का है और दैट इज़ द कैफ़े, तो वहाँ जाएंगे, पता करते हैं कि कितने बजे खुलता है। अभी तो ऑलमोस्ट 7:30-8 बज रहा है, तो लेट्स सी कि अगर वो अभी खुल गया होगा तो फिर शिल्पी को लेके आते हैं, यहाँ बैठते हैं, मस्त इन्जॉय करते हैं। भैया कितने बजे खुलेगा? खुल गए? टाइम लगेगा आधा घंटा और, 30 मिनट्स मोर। चलो ठीक है, तब तक गर्म पानी वगैरह पीते हैं, चिल आउट करते हैं, बारिश का मज़ा लेते हैं। हम लोग अपने ही ब्लॉग्स देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कितने वेले हैं हम लोग, है ना, अपने ब्लॉग देख के टाइम पास। वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अब जिस ब्लॉग में तुम नहीं होती हो मज़ा नहीं आता है देखने मुझे में। मुझे तो आता है। मुझे आता है। मुझे तो नहीं आता, बंद करो इसे। मैं नहीं ले जा रही है चश्मे में, हमें चश्मे में। क्या प्रॉब्लम है इस चश्मे में? पागल, I look so cool in this। यार वो मेरी आंखों में वो आता है ना शूट करते टाइम, इसलिए बस ये चश्मा है। सिट एनी वेयर यू वॉन्ट। यार ये बेटर है चौकड़ी मार के आलती पालती मार के बैठना। तो चलो ये भी ठीक है, एक बार मैं इस पर बैठ कर ट्राई करना चाहता हूँ। आई थिंक दिस प्लेस इज बेटर देन दिस। स्पीकर नहीं लाई, गाने बजाते हैं यहाँ मस्त प्यारे प्यारे। तुम सब काम गलत कर रही हो आजकल वैभव, क्या हो गया तुम? क्या वो प्यार नहीं रहा? तुमको ज्यादा पता होगा, रहा है कि नहीं रहा। I want to eat bhaksu cake यार, bhaksu nak चलो ना। केक मैं चंडीगढ़ में खिलवा दूँ। नहीं मुझे bhaksu nak का bhaksu cake चाहिए। अबे हाँ मैं नहीं जा रही bhaksu nak। अबे यार बब प्लीज यार चलो मैं ना यार। नहीं मन। क्यों चलना यार? बारिश हो रही है, बिल्कुल मन नहीं है। तो बारिश तो रोज ही हो रही थी, कहाँ किस दिन नहीं हो रही थी बारिश? चलना यार प्लीज ना यार। तुम तो बोलते थे कि तुम्हें सोलो ट्रिप ज्यादा पसंद है, तो फिर अब सोलो ट्रिप मार लो bhaksu तक, खुश हो जाओगे। नहीं नहीं क्या आप क्या मेरे से बंद गए हो? हाँ पहले मुझे बड़ा बोलते थे सोलो ट्रिप्स आर बेस्ट, मुझे सोलो बहुत पसंद है, मैं सोलो ही घूमना चाहता हूँ। तुम कभी सोलो नहीं गई ना, तो तुमको उसका नहीं पता। अब क्या हुआ, हो गई? नहीं तो साथ में चलोगे तो तुमको भी bhaksu केक खिलाएंगे ना। खाना केक बहुत तगड़ा होता है bhaksu केक, पता है तुमको? नाम ही ऐसा है bhaksu। मैं नहीं जा रही, तो तुमको अपनी स्टोरी के लिए जाना है, मेरे को नहीं जाना। तो घूमेंगे भी तो यार, मजे भी तो आएंगे। मेरे को नहीं आना यार, चलना है। अपने स्टोरीज बनानी है, मेरे को ऐसे घुमाई जा रहा है। A few moments later. तो किसी तरह मैडम को मनाया कि चलो निकलते हैं, नहाओ धो, एनर्जी रीगेन करो और चलो निकलते हैं bhaksu nak के सफर पे। आज आखिरी दिन है, एंजॉय कर लेते हैं। बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का वॉक है bhaksu nak के लिए अपने होटल से। लेट्स सी क्या है ये ट्रेल, कुछ ऐसा है जो आप देख रहे हो। ओके सा ट्रेल है, बहुत हार्ड तो नहीं है, नॉर्मल सा है। बारिश हो रही, थोड़ी थोड़ी इंजॉय करते हुए जाएंगे। बाल हो गए हैं ख़राब ट्रैवलिंग के दौरान, बाल हो गए बहुत ज़्यादा ख़राब। यहाँ से भी ड्रोन उड़ाया जा सकता है, लेकिन बात ये वही व्यू मिलेगा जो वहाँ से मिलता है ना। bhaksu केक लेने के बाद अपन जा रहे हैं इस नेचर ट्विन कैफे में। यहाँ से सबसे नज़दीक यही है, बारिश हो रही है, फालतू नीचे जाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि नीचे रोड बहुत ख़राब है। ये लक्ष्मण झूला पार करके जाना है तुम्हें। दिस इज द फेमस bhaksu केक, क्या लिखा हुआ है इसमें, बधाई, ढेर सारी बधाई। ये गॉट दिस फ्रॉम दैट स्टोर देयर, कृष्णा जनरल स्टोर, यहाँ की फेमस bhaksu केक उन्हीं के स्टोर में मिलता है। अब इस कैफे में आ करके बैठ के हम इंजॉय करेंगे bhaksu केक, जिसके लिए हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं ये ट्रैक करके। तो बेबी डू दी ऑनर्स, खोलो केक
We've got 3 slices of the cake. Okay. वर्थ रहा ना, बहुत बहुत प्यारा केक, यम्मी, वेरी यम्मी. दिस इज वेज बिरयानी, पहाड़ों की वेज बिरयानी एंड दही. बाकी ऑर्डर हमारा आ रहा है तो अपन तब तक. बट आई मिस माय होम फूड. होम कुक फूड. मेरे को भी अब घर के खाने की याद आने लगी है. बहुत दिन हो गया नहीं खाया. कोई बात नहीं, 2-3 दिन की बात और है, उसके बाद तो अपन घर पे ही खाएंगे. चीयर्स. और ये लो जी आ गई दाल फ्राई एंड रोटी गर्मा गर्म. रोटी थोड़ी ठंडी हो गई है क्योंकि मौसम ऐसा है कि तुरंत ही ठंडी हो गई. टेस्ट करके बताओ जल्दी से कैसा है. गुड गुड, पर नमक की कमी है. नमक की कमी है. खाना एंजॉय करते हैं, मिलते हैं बाद में. मैं कह रही हूँ हम सिर्फ केक के लिए गए थे, बट केक सच में टेस्टी था. अगर हम गए हैं तो सही रीजन से ही गए हैं. केक वाकई टेस्टी था. बाकी मंदिर वगैरह तो सब बंद ही है कोविड की वजह से. इसी बहाने लंच भी हमने वहाँ कर लिया, नई जगह ट्राई हो गई, वरना हर रोज भाई एक ही जैसा खाते खाते. चलो जी थोड़ा सा रास्ता और बचा है, कवर कर लेते हैं. चलो जी. So this is the last night in Dharamkot. एक हफ्ता या 6 दिन का सफर बड़ा मजेदार रहा. ज्यादातर चीजें हम लोगों ने कवर करी. कुछ चीजें जो छूट गई थी वो इसलिए छूट गई हैं क्योंकि वो बंद थी ऑफिशियली कोविड के चक्कर में, बारिश के मौसम के चक्कर में या जो भी. हम लोगों ने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करी यहाँ पे कि जो चीज़ें ऑफिशियली बंद है वहाँ पे जाओ. हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया. हम ट्रैक पे भी नहीं गए, हम त्रिउन ट्रैक पे भी नहीं गए. हमारा बहुत बनता जाना है लेकिन ऑफिशियल रास्ता बनता है इसलिए नहीं गए. कुल मिला के इट्स अ रैप अप फ्रॉम हियर नाउ. पैकिंग हो चुकी है. कल सुबह ऑलमोस्ट हमारा टारगेट ये है कि 7 बजे बाइक पे बैठ जाएं और प्रस्थान कर दें बाइक पे बैठ के 7 बजे. तो विद दैट सेड आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं. पूरा दिन में हम लोगों ने सिर्फ यही किया कि हम भक्सू गए थे विलेज. भक्सू विलेज गए, वहाँ पे कृष्णा जनरल स्टोर से हम लोगों ने ये अपना वाह तुमने ऐसे रख दिया है. कोई बात नहीं, ये भक्सू केक खरीदा वहाँ से. अब हम उसे भक्सू केक को फिर से इंजॉय करेंगे. काफ़ी सारे ले लिए थे हम लोगों ने, काफ़ी सारे नहीं 2-3 पीस ले लिए थे हम लोगों ने. सनसेट हो चुका है, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे. तो व्लॉग को एंड करते हैं. कल अपन चंडीगढ़ निकल रहे हैं यहाँ से, तो कल सुबह रोड पे मिलते हैं आप लोगों से. टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो. धर्मकोट धर्मशाला का सफर यहीं ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से चंडीगढ़ में ऑन द रोड. बाय.